आ तो गए राजू, आप आ तो गए, कभी वो पिछले कर्म कर ले तो नेसे देंगे ना। पुराना काम में ज्यादा वाह थी या इस काम में ज्यादा वाह है, ये तो दोनों काम है। पुराना काम मतलब पहले सरपंच वाला भाई साहब, सरपंच वाले में भी जो आपकी छवि रही है, आपका जो चरित्र नापा गया शहर में, या उस काम में इतनी कठिनाई थी या इस काम में इतनी कठिनाई है कि इसमें ज्यादा कठिनाई हुई? पांच हजार आदमी दावा करो, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते। पांच हजार छोटे बात तो है कौन, पांच हजार, हजार की, दस हजार की, जो बात आपकी करना रहे हो छोटी बात तो है नहीं। तो आप लगता नहीं किसी किसी और नेताओं के भी आंख में कंकर बन सकते हो, किसी समाज के बंदे के भी समाज में कंकर बन सकते हो? नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो यो हर आदमी के लिए सीख है आज की न्यूज, क्योंकि कोई प्रोग्राम टेकना, चाहे वो किसी शादी का फंक्शन हो, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन का प्रोग्राम हो, चाहे कोई नेतागिरी का फंक्शन हो, या कोई नेतागिरी के अंदर खुद के फंक्शन की बात हो, यानी यह है कि कहने को लोग कुछ भी कह देते हैं। मैं 10,000 आदमी इकट्ठे करूंगा, मैं 5,000 आदमी इकट्ठे करूंगा, मैं 20,000 आदमी इकट्ठे करूंगा, मैं 50,000 आदमी इकट्ठे करूंगा, लेकिन वो 50,000, 20,000, 5,000 आदमी इकट्ठे करने के लिए उस इंसान को तपस्या करनी पड़ती है। चाहे वो हल्के की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम प्रदेश का हो तो प्रदेश की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम जिले का प्रोग्राम हो तो जिले की बात हो। दीपांशु शर्मा आगे आ जाए, वहाँ पे आ जाए प्लीज। तो ये कोई प्रोग्राम की बात होती है जी, लेकिन कहना आसान है, टेकना आसान है, और उसकी राह पे चलना है, यानी यह है कि वो कांटों भरी रात बन जाए, कांटों भरे दिन बन जाते हैं, यानी उसकी राह के अंदर इतने कांटे हो जाए। कहना आसान है जी, 5,000 50,000 बिंदु का फर्क लग गया है, लेकिन ना तो वह जीव हल है, ना वह जवान हल है, लेकिन उसको करने के लिए बस यह है कि सास मंदिर की दरिया को आग का पार करना पड़ता है उस इंसान को, और वो तब जाके तपस्या दिखती है, तब जाके वो तपस्या बनती है। अच्छा जी, अब 5,000 आदमी का प्रोग्राम है, 10,000 का प्रोग्राम है, वो तो बताओगा राजू ना आंगले कर रूम में, क्योंकि वादा कर रखा है मेरी मीडिया के ऊपर, वादा कर रखा है और भी सोशल मीडिया के ऊपर वादा कर रखा है, और मैंने कही थी तपस्या 5 मतलब 50 में बिंदु का फर्क है, लेकिन उसके लिए आदमी को दिन रात एक करना पड़ता है, एक पाँव तो यहाँ पर, एक पाँव लंदन में। नमस्ते, कैसे हैं भाई? कभी धार डुपावे, कदे मान डुपावे, कदे बडाला पावे, कदे पुरमपरा पावे, कदे कोट पावे, कदे कमला भवन आगे पावे, राजू नांगल की फिर किसी बंद रही है भाई साहब। 14 तारीख का प्रोग्राम है, सर्व जातीय मिलन समारोह कमला भवन में कर रखे है। मैं तो ये बालक बैनर बैनर लगा ला रहे थे, मैं तो देखने का तरह आया शहर में, आज के दिन दिखा है नए साल के ऊपर राजू नांगल, राजू नांगल दिखा ला रहे हैं। राजू नांगल का एक नाम और भी है, ये नाम है राजीव। राजीव आओ जी सरपंच साहब, कौन कर दादा, आ जाओ आ जाओ, कितना बढ़िया नाम है राजीव है, दिलमा में सुना करते राजीव। और कैसे हो सरपंच साहब? तो ये भाई है गोविंदपुर से सरपंच, मैं सरपंच हूं, सरपंच भी था और अब भी सरपंच है, अब भी सरपंच ये जाना है, जानू हूं मत समझ जानू हूं नहीं तो बताएं फिर आज का जिस पकड़ से है कि चल आ आ जा फिर कोर्ट में, क्या होगा कोर्ट में, भगवान कोर्ट तहसील थाने किसन ना दिखावे, हमारा तो लिखे हो गया, वो तो हमारा तो लिखे गए, लिखे गए, तो फिर क्या होगा कोर्ट में भाई? ये वो छोटा होगा, वो तो हो गया, और हो जाए हैं, और किसी के हो जाए, सरपंच रहे हैं भैया, बाटे भी आया हुआ है। अच्छा फिर बाद में जो आदमी कर्म कमाओ ने इस तरह के रूप में है, चाहे वो 5,000 के या 50,000 के कहने पे होल्डिंग लगाने के रूप में है, पंचायत की बात है, लोग इकट्ठे करने की बात है, तो वो फिर वो उन ये तो भुगतावे हैं है, और यो भुगत के उसने फिर भुगतना का काम करे है, क्योंकि पंचायती करी, सरपंच करी, सरपंच करी तो की दिखा है, कोर्ट कचहरी दिखा, बाकी किमी दिखा ही कोनी, और किमी दिख काम तो कोनी यो। अच्छा गरम साहब गल लिया, सारी उम्र का गल गया वो, गल्ला साफ ही होए है, गल्ला ही होए है साफ, लेकिन देखो जिम्मेवारी उस आदमी की दी जाए जो सक्षम हो भाई साहब। आजो प्लीज आजो, ये भी इसने पहले नेगेटिव भी हम सरपंच बने, जब भी हमारा भाई सरपंच था, इबी भी दोबारा जिम्मेवारी दे रखी काम ने, तो क्या मन क्या सही इसमें, और जिम्मेवारी भाई जो शहर देगा काम देगा वो ठीक आदमी तो ये देगा जिसके कंधे मजबूत होंगे, और जरूरत है आज के दिन शहर ने मजबूत कंधे की। राजू कहना आसान है,
कि मैं 5000 आदमी इकट्ठे करूंगा, मैं 10 करूंगा, मैं 2 करूंगा, मैं 3 करूंगा, क्योंकि कहने के लिए आदमी का बिना हटके जेब कुकर बोल दो आदमी। लेकिन ये आपका आगे कमला भवन है और आज तारीख की बात करूँ तो 10 तारीख होगी, 11 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, दिन पड़े 4, चौथा दिन आपका प्रोग्राम है। तो अनुमान लगा लिया कितना बड़ा उसका है, कितनी बार बड़े राज्यों ने साख रखनी पड़ेगी, या राज्यों ने कह दिया किस तरह बड़ा प्रोग्राम बनेगा, कितना साख बना पाओगा? भाई साहब जितने ही कह रखे ना उससे ज्यादा आवे तो मानियो ना तो टाल। राजू उड़े सुसरे खाट उड़े बहु का पिछना है, बिल्कुल भाई उड़े अच्छा करो, उड़े पंजाबन यू कमला बोन है। भाई साहब आप मान के चलो मैं 5000 ते 10000 के लगभग आदमी जुड़ेंगे जुड़ेंगे, और यो तो 3-4 हजार आदमी का है, खान पीन का प्रोग्राम भी कर रखा है, चाय पानी का भी है, मैं जो संक्रांत का अपना जिस तरह बार त्योहार मना रहे हैं उस तरीके से बार त्योहार भी मनाया जाएगा। अच्छा इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़े राजू? मेहनत भाई साहब हम डोर टू डोर कर रहे हैं, तकरीबन गांव में डालिए, हर गांव के जो पूर्व सरपंच थे मेरे साथ सरपंच बने उन सबको भी इन्विटेशन दे चुका हूँ मैं, और जो नए बन रहे हैं उनको भी पूरे गाँव में जितने मेरे यारे प्यारे हैं धारडू मानेरू बुडाला कायला उनपरा कोटे भाई यार गोविंदपुर है सरपंच है इनके भी जाए हम सब तो सब आओगे भाई सब। देखियो आप बहुत जबरदस्त पुराना काम में ज्यादा वाह थी या इस काम में ज्यादा वाह है, क्योंकि दोनों काम है। पुराना काम मतलब पहले सरपंच भाई साहब सरपंच वाले में भी जो आपकी छवि रही है आपका जो चरित्र नापा गया शहर में, या उस काम में इतनी कठिनाई थी या इस काम में इतनी कठिनाई है कि इसमें ज्यादा कठिनाई हुई, इसमें ज्यादा कठिनाई है और आज वो काम छोड़ के भी वो काम। हाँ देखो चुनौती वाला काम करेंगे जब लोग जानेंगे भाई साहब, चुनौतीपूर्ण काम करना चाहिए आदमी ने, इसमें ज्यादा चुनौतियां हैं और जो गरीब आदमी इसमें मान सम्मान भी ज्यादा है, प्रेम है, मान सम्मान है, प्रेम है, इसमें सारी चीज है भाई, छल कपट मान सम्मान सब के में है, लोग दिखे कुछ है पावे कुछ है, और कुछ आदमी ऐसे हैं भी जो प्रेम में इतना करने लाग जाए हैं अब बहुत जबरदस्त, ये जो गरीब आदमी है ना गरीब आदमी है वह अपने तो इतना प्रेम करे हैं बहुत जबरदस्त, हम तो उन्हें क्या उस चाह रहे यार गरीब आदमी का खतरा है इस उसमें है भाई साहब गरीब और शरीफ आदमी। राजू आप आ तो गए कदे वो पिछले कर्म करे तो नहीं से देंगे ना ना भाई साहब के से देंगे वो हमने कोई गंदे कर्म करे उड़े से ध्यान है स्वाभिमान की लड़ाई कभी परेशान कौन करे अगर वहां तो किसी गरीब शरीफ का दिक्कत ही आओगी तो भी जाना पड़ेगा भाई साहब। राजू जिस प्रकार से आप 5000 आदमी का दावा करो ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते, 5000 छोटी बात तो है कौन, 5000 की 10000 की जो बात आपकी करना रहे हो छोटी बात तो है नहीं, तो आप लगता नहीं किसी किसी और नेताओं के भी आंख में कंकर बन सकते हो, किसी समाज के बंदे के भी समाज में कंकर बन सकते हो, क्योंकि कौन चाहोगा कि मेरी एक रोटी में ताद रोटी को खाने की तैयारी कराए और वो तैयारी कराए जो सारी चीज हम लिखने रहा हो आगे आ जाए। वैसा भी इसमें तो देखो कंकर को नहीं पत्थर बनाएंगे, और रही बात 5000 आदमी जोड़ने की तो 5000 तो ज्यादा ही आऊंगे, ये तो आदमी का अपना अपना रसूख है, ये किसी का काम आवेंगे तो भाई सब लोग चल के भी आऊंगे। नींद गायब हो रही है या नींद सुतनी आना? नींद तो आनी चाहिए भाई साहब, ये प्रोग्राम के बाद सोएंगे और बाद में भी कैसे होना है, इब तो जाग गए वहां जाग गए लेट हम तो जाग गया लेट है। हाँ इब सोवाए को नहीं, इब तो राने भी जगावांगे और खुद भी जाग गए। अलग किस तरह जगह हुआ अलग जगह हुआ तो देखो भाई साहब जो बुरा बनवानी है सवाल वाला जो दाग लग रहा है उसने तो होगा या एक वास्तविकता में राजू नांगल एक राजू नांगल नहीं एक प्रहरी बन के काम धरातल पर आने की तैयारी करेगा या थोड़ी तैयारी बता राजू मजा नहीं आएगा क्योंकि लोग तरह सुनना चाहते दाग तो ऐसा कुछ लगे नहीं रहा भाई साहब, दाग तो भाई मीडिया मन है भाई प्रशासन मन है जो मेरी जनता है मेरे से प्यार करनी है जो गरीब आदमी उनसे पूछो हमने अगर किसी का बुरा करे हो तो एक भी आदमी आप इस शहर में ले दो अब राजू ने हमारा बुरा कर दिया तो हम उस दिन अपना अपना दोषी मान लेंगे भाई साहब, इधर नहीं मानते और मारती दादी कोर्ट ने भी नहीं ठहराया है मेरे आज तक किसी मुकदम सजा हुई नहीं है और माता रानी की कृपा रही भाईचारा अनु आशीर्वाद बनाया तो भी कौन है क्योंकि गंदे कर्म करे उड़की सजा है भाई साहब ठीक क्रम की सजा ना होती। तो जिस प्रकार से लोगों के अंदर जान लग रहे हो लोगों के अंदर के अपनी राजनीतिक भाव लेकर क्या हुआ है के सामाजिक की भाव लेकर क्या हुआ है के लोग बया करने लग रहे हैं क्योंकि धरातल धरातल हो रहा है तो बिल्कुल भाई सब गम्मा में हंडन लग रहा हूँ मारे तो गम्मा लेगी तो बटाला गया कह लो सारे गए उन्होंने तक
इतने खुश हैं कह रहे मिले हमने तो तेरा धन्यवाद है जो पहली बार मौका देने लग रहा हमारे थी। हमने तो पहली बार मौका मिलने लगा तो कोई गांव का आदमी इतना आगे बढ़े आगे बढ़ेगा। हाँ। लेकिन राजू वो आगे बढ़ना फिर खटका लग रहा है पग पग पे पग पग पे के परेशानी आ रही है। हम कोई भी अच्छा कर्म करने ही चल रहे हैं उसमें चुनौती तो आवे है ये तो छोटी मोटी बात है इंतकाली को नहीं इंतकाली को नहीं ना। तो जिस प्रकार से मुंह कदे राजू शहर में आंडा है कदे कमला बोल पांडा है राजू कहना आसान है या करना मुश्किल है। करना मुश्किल हो भाई साहब कह तो कोई भी कुछ भी देगा लेकिन उस दिन बताइयो आप जिस दिन आदमी कम हो जाए 5000 तक तो किस प्रकार के व्यक्ति तो यहाँ पे दिखने को मिलेगा क्या शहर आईडी लगाएगा क्या रुझान बनेंगे क्योंकि 24 की तैयारियां भी हो रही और नेता भी बाहर निकल रहे तो क्या अनुमान लगा के चलेगा राजू लांगड़। देखो अनुमान तो भाई साहब हमने तो जो लगाना था लगा लिया बाकी जनता लगाओगी और आप लोग लगा के बताइए अनुमान। हम लोग लेके बतावा ये पहलवान जी तो वो है जो रेस के मारा करो रेस है वो रनिंग 24 दिन कौन सा मारा करो 100 किलोमीटर का आपने प्रोग्राम कराया हां हां सोच है मनोज ना हाँ मनोज तो क्या कहेंगे मनोज जी भाई साहब जैसे काम दौरा कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों के वो विचार देखने को मिल रहे हैं सुनने को मिल रहे हैं भाई राजू आगे बढ़ो आप साथ हैं और ऐसा कभी नहीं होता कि भाई एक बार दादन राज कर लिया फिर उसका बेटा करेगा या कोई जरूरी को नहीं होती तो जिसने जनता आशीर्वाद देगी ना वो ही राज करेगा इस पे जो जनता की सेवा करेगा वो जनता का सुख दुख में सारा खड़ा पाऊंगा राज खड़ा करवा में है फिर भी भाई साहब सेवा करना है लोग जो राजा थोड़ा है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हो तो अपना राज्य बना रहे हैं ना भाई एक तरफ डॉक्टरी करे हैं एक तरफ फिर इसमें भी आऊ है तो वो एक ही काम कर सके वो दोनों काम को नहीं कर सकते दर्द छलक है भीतर का डॉक्टरी में नाम आया तो हाँ दर्द है भाई साहब इस चीज में जनता का बहुत दर्द है इसमें भाई लोग मतलब एक काम छोड़ के ना और जनता की सेवा करें वो जनता की सेवा फिर दोनों डाले तो कितने भी कोनी होन पांदी नेता बन के डमरू जो घूमो हो बाकी में हालात को लगे है हालात सारे लोग नु कहे भाई साहब जो बूढ़े हो गए उनके पराक्रम थक गए हैं भाई उन्हें भी विश्राम करना चाहिए सारे मिलके उन्हें समझाओ भी गई विश्राम करने का समय आ गया कताली भाई साहब देखो गुजर का मार्गदर्शन तो जरूरी है उनका जो जिंदगी का अनुभव है वो महारत है कई गुना ज्यादा है लेकिन ये जो आदमी काम युवा कर देगा वो बुजुर्ग आदमी तो नहीं कर सकता इतनी भाग तैयारी करने लगा इस ग्राउंड के ऊपर तो किसी थबकी है पार्टी का या किसी बड़े नेता का आशीर्वाद है या राज मांग लगी किसी नेता से बात हो रही है बड़ा कोई और सब तो बड़ा बात हो रही है ना तो किसी नेता से बात हो रही भाई साहब ना किसी पार्टी की थबकी अब तो ओनली इस जनता जनार्दन की सेवा करने खातर आ रहे हैं और आप बगैर पार्टी के हैं कोई पार्टी नहीं आप अपना नाम क्या है। मेरा नाम नीरज 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 तो यो राजू का छोरा नू ना नू ही है तो बाबू गली गली हो लिया है सारे काम आ गए तो नू लाके बाबू तो बावड़ा हो लिया मन भी बावड़ा गली करेगा ना ना ऐसा कुछ नहीं लगता जनता को जरूरत है वाणी की और पिताजी को ये बात समझ में आई है तो वो अपना प्रयास कर रहे हैं तो मेरे को भी लगता है जो मेरा इसमें योगदान होगा मैं वो दूंगा। चलो जी अब तो तारीख को इसको भी दिखाऊंगा क्योंकि आज ने वादा करा कि कटिंग करवा के आऊंगा बिल्कुल कटिंग करवा के आऊंगा। तो जी ये चीज है अब कमाने के लिए तो इंसान बोलने को इंसान कुछ भी करने को तैयार रहे यानी बस यह है कि 24 घंटे किसी आदमी को कोई भी काम करवाने का काम कर लो लेकिन जब सही मायने में उसको पीक पे करना होता है सही मायने में उसको एक दिशा देनी होती है तो उस इंसान की आत्मा फूल जाते हैं। इसे रजना लांगने का दिन का चैन और रात की नींद बाज रही है भूख भी को लगती है ना क्योंकि मुंह उतर रहा है तो मुंह उतरा उतरा देखा जांच के या मुंह तो उतरा उतरा इसलिए है कि भागदौड़ की वजह से है लेकिन यह है कि एक चेहरे पर चाट भी अलग दिखे है एक मुस्कान भी अलग दिख रही जिस प्रकार से लोगों का प्याल मिल रहा तो अच्छी बात है जी। इसे विशाल के अंदर इस खेल के अंदर एक नया खिलाड़ी भी आएगा और वो खिलाड़ी अपने आप को भी पेश करेगा और इस शहर की दिशा को भी पेश करने का काम होगा क्योंकि राजू लांगड़े मेरे इंटरव्यू में कहा कि मैंने घाट घर का पानी पिया हुआ है चाहे वो किसी और व्यवस्था की बात थी चाहे किसी और व्यवस्था की बात है लेकिन जो घाट घर का पानी पी ले वो आदमी अपने शहर के लिए बुरा कब करेगा और किस तरह कर सकता है। तो जी राजू लांगड़े गली गली हो रहे हैं आज दलफरंग मोहना करने आए थे कर लिया
तो किस तरह के माहौल बनाओगे बेटा, किस तरह के लोग आओगे? शाम ना जो गुरु जी आओगे, अच्छा वो वहां पर स्थान हो जाएगा, टेंट हो स्थान हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, बाकी यहाँ कुर्सियां लग जाएंगी, कुर्सी लग जाएंगी, इसके पीछे जो लंगर का काम हो जाएगा वहाँ, इसके पीछे लंगर का काम, हाँ वहाँ सामने रसोई है, इधर से जाओगे तो आप होल भी है, ऊपर भी होल है, पूरा है जी, पूरी व्यवस्था है, नहीं सारा जो उदन भरा हुआ, बिल्कुल भरा बाहर हन नहीं जे लोग और पांटे करने जगह पर पांटे करने जगह नहीं छोड़ता का, हां पांटे करने जगह छोड़ो कोनी। जे एन सिनु से अजय नायक और दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट कमला भवन से।